उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत सिरोली के व्यक्ति ने आरटीआई के तहत प्रतियां ना मिलने पर शिकायतकर्ता पहुंचा जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के पास। आपको बताते चलें, यह खबर जो है विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत सिरोली की है। आपको बताते चलें, यहाँ के निवासी दली अहमद, सुजीत तिवारी, सोनू गुप्ता ने जन सूचना अधिकार के तहत अपने ग्राम पंचायत सिरोली का ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की प्रमाणित प्रतियों की मांग किए थे, जो कि 6 महीने बीत जाने पर भी इनको नहीं मिला, जिससे ये क्षुब्ध होकर आज जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पहुँचे। आपको बताते चलें, इन्होंने बताया कि हम लोगों ने विकासखंड रामनगर पर जन सूचना अधिकार के तहत ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक हमको कोई जवाब नहीं आया, न तो हमें कोई प्रतियां मिली। इसी से क्षुब्ध होकर आज हम जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पास आए हैं और विकास कार्यों का प्रमाणित प्रतियां दिलाने की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को प्रमाणित प्रतियां दिला दी जाएंगी। आइए सुनते हैं। नाम बताइए। दली अहमद। गांव सिरौली, विकास खंड रामनगर, जिला जौनपुर। किस लिए आए हैं यहाँ विकास भवन? तो हमारे गांव में मतलब प्रधान द्वारा जो कार्य किया गया है, अच्छा, उसी का हम लोग ब्लॉक से सूची मांग रहे हैं। इस समय हम लोग डीएम साहब सामने हैं। अच्छा, आरटीआई के तहत? आरटीआई तहत मतलब हम लोग मांग। कितने लोग मांगे हैं आप? हम लोग 4 लोग हैं। अच्छा, कितना दिन पहले मांगे थे? 6 महीना पहले से। 6 महीना कोई पेपर नहीं मिला आपको? कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, जिलाधिकारी को आप प्रार्थना पत्र दिए तो डीएम साहब क्या कहें? कहें कि ठीक है, एक हमको आश्वासन दिए कि एक हफ्ते में आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वही प्रार्थना पत्र जो मतलब मैंने दिया था उसी को। उसका मतलब जो पेपर ग्राम पंचायत में कार्य हुआ उसका पेपर एक हफ्ते में मिल जाएगा? हाँ, एक हफ्ते में। ठीक।